हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल JKMD में, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे GK क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जाम के समय बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू रेडी? दोस्तों, आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसके राइट आंसर के लिए विकल्प हैं 12 मई, 24 मई, 21 मई, 28 मई। दोस्तों, इसका राइट आंसर है 21 मई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसके राइट आंसर के लिए विकल्प हैं 14 जुलाई, 14 अक्टूबर, 14 नवंबर, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 14 नवंबर। दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसके राइट आंसर के लिए विकल्प हैं शिक्षक दिवस, बाल दिवस, विधि दिवस, डॉक्टर दिवस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है 1.2 लाख, 1.5 लाख, 1.7 लाख, 1.9 लाख। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1.5 लाख। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, 5 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन चैनल 1 है, डाक सेवा, आकाशवाणी चैनल, दूरदर्शन चैनल, टेलीफोन सेवा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डाक सेवा। तो चलते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा छठवां क्वेश्चन है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1952 ईस्वी, 1998 में, 1972 में, 1970 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1972 ईस्वी में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है अरबों ने जो था हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, इसके राइट आंसर के लिए विकल्प हैं सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर के लिए समय चलता है अब। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो दोस्तों, इसके राइट आंसर के लिए विकल्प हैं भारत सिंह, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, अरविंद घोष ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1942 में, 1943 में, 1944 में, 1945 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर के लिए समय शुरू होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1943 ईस्वी में।
तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।